दोस्तों हम लखनऊ में आए हुए हैं ट्रामा सेंटर में, और यहाँ हमारे एक करीबी हमारे एक दोस्त के पिताजी यहाँ एडमिट हैं और 24 घंटे हुए, अभी तक एक इंजेक्शन तक नहीं लगा है। और किसी यहाँ किसी डॉक्टर से अगर आप बात करो, लखनऊ का ही ट्रामा सेंटर आप अस्पताल से बता लीजिए, और किसी भी तरह से यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। किसी डॉक्टर से किसी कर्मचारी से यहाँ बात करोगे तो घसीट कर कहते हैं आपके पेशेंट को बाहर कर देंगे। और मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ कि व्यवस्था क्या चीज़ है, जो लखनऊ का हमेशा जिस तरह से यहाँ की बात होती है आपको मैं दिखाता हूँ अंदर कि यहाँ के पेशेंटों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आप आइए जरा दिखाइए। अगर आप यहाँ किसी से बात कर, आपने आप आइए यहाँ किसी से बात करेंगे तो यहाँ ये देखिए मैडम को लीजिएगा, अगर मोबाइल छीनता है कोई तो आप लीजिएगा उसका। आप आइए तुरंत आइए, अगर किसी से बात करेंगे मैडम आप प्लीज बोलेंगे नहीं, किसी पेशेंट से आप बात करेंगे कोई सहमत नहीं होगा, इसको आप देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट यहाँ जितने भी समय से यहाँ भर्ती है किसी से पूछेंगे, अगर खाली हमारा लीजिए डर बस दहशत बस कोई किस कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो हर आदमी यहाँ किसी से कोई सही से बात करने वाला नहीं है। ठीक है, आप आइए जरा दिखाते हैं, इतने लोग यहाँ हैं लेकिन किसी से सही यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बात करने वाले नहीं है। आप बता दीजिए कितने दिन साहब, आप बता दीजिए। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। बाबू कितने समय से आप यहाँ हो, आप एक दर्द के इंजेक्शन मांग रहे हो, मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा ना, नहीं आप इसको छेड़ेंगे नहीं, मैं मैडम को फोटो लो, आप ऑनलाइन चल रहा, आप ये समझ मैडम आपकी नौकरी चली जाएगी, ये ऑनलाइन चल रहा, ऑनलाइन कर किया हूँ, आप इसको छेड़ेंगे नहीं, आप समझ आप इसको छेड़, इनको लीजिए इनको लीजिए मैडम, आपको अगर कोई टच किया ये हंगामा करवा देंगे। जिस तरह से रुला रहे हो आप लोग भैया पेशेंट से, अगर आप सही, आप सारे लोग रो रहे हैं यहाँ पे, आप वहाँ चल लीजिए अपने पेशेंट को, बात तो सुनोगे, मैं बात सुनूंगा इनका लीजिए। अगर कोई टच करता है आपको, अगर किसी महिला इस महिला को किसी ने छिया तो ठीक नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि बनाने दो वीडियो, बना उनको जरा लीजिएगा, जाओ तो भैया को जूम करो, बनाने दो वीडियो उनको लीजिए जरा, ऐसा जूम करो। ये भाई साहब जो है बीच में पट्टी जो नीले वाली, ये कह रहे हैं बनाने दो वीडियो, जो होगा देख लेंगे। सरकार इतनी व्यवस्था दे रही लोगों को लेकिन यहाँ सही से बात करने के लिए लोग नहीं हैं। आप किसी पेशेंट से, मैं अभी किसी से पूछ ले भैया सहमत हैं, कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि हाँ मैं सहमत हूँ, हर कोई बहर सही है भैया, आप बता दिए सही है, आप सहमत हैं यहाँ से, जितने भी लोग आप सहमत हो भैया आइए, कोई बैठने नहीं देता है। आप सहमत हो यहाँ से, आपको इलाज यहाँ सही हो रहा है, आप हो रहा है भैया, आपका हुआ आपकी बात का सही से, आप बताएंगे भैया हाँ, जब से आए तब से कुछ नहीं हुआ ना, आप इधर आ सकते हैं, आए आपका कितना टाइम हुआ भैया यहाँ आए हुए, 12 बजे। आपको एक बहुत जरूरी चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो ये वीडियो देखिए, ये देखिए यहाँ ये खून चल रहा है व्यक्ति का, यहाँ कितने टाइम से खून में 12 बजे से रात में बंद हुआ है, लेकिन किसी ने पी को यहाँ खून चढ़ता हुआ बंद पड़ा हुआ है, किसी ने देखने आने या अगर मैंने कहने जाया तो वहाँ महिलाएं लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये पेशेंट कभी भी मर सकता है, किसी को पूछने वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लखनऊ का ट्रामा सेंटर है, आप देख सकते हर आदमी कराह रहा है रो रहा है, किसी तरह से कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं सरकार इतनी व्यवस्था देने के बावजूद भी यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बात करने के लिए सहमत नहीं है। अगर कोई आपको छेड़ता है कोई पकड़ता है तो आप तुरंत लड़ जाइएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आपको यहाँ पेशेंट कितने देर कितने समय हुआ आपके आए हुए, अरे हमें हो ये कहना है, आप कल क्या कल आए हुए हैं, कल आए हैं, आपको कुछ हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ ना, व्यवहार इतना गलत किया जा रहा है दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सरकार को ये बात को पता चले, ताकि इन लोगों जिस तरह से हवा के
हराम के पैसा खा रहे हैं, इन लोगों को मदद हो। अभी दिखाइए, हर कोई कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इन लोगों से यहाँ के कर्मचारी सही से बात करे तब भी ये लोग थोड़ा सा, इनको अंदर क्षमता होगी, सहन होगी कि मेरा काम हो रहा है। कोई वहाँ इंजेक्शन के लिए जाएगा तो सही से कोई बात करने वाला नहीं है, कह रहे घसीट के बाहर कर देंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि यहाँ ट्रामा सेंटर लखनऊ में हर ईस्वी के बाद कोई आए तो उसका अच्छे से इलाज हो। बस इतना मैं चाहूँगा। आप वीडियो को बंद कर दीजिए। अभी क्या हो सकता है, वीडियो को आप डिलीट करवाएंगे लोग, क्योंकि ऑनलाइन चलाया हूँ और अभी इसके साथ बवाल कर सकते हैं, मेरे साथ कोई घटना भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के लोग काफ़ी इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ अभी कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी होगा। यहाँ का कोई जिम्मेदार अगर मेरे साथ पूछो, मैं अपने आप को हाथ में हत्या यहीं जला लूँगा, मर जाऊँगा। अगर मुझे कोई इस लड़की को किसी ने छेड़ा या कुछ कहा तो मैं खुद को यहाँ जान खुदकुशी करूँगा, क्योंकि हद हो गई। 24 घंटे से एक इंजेक्शन के लिए कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, पर्चा फेंक दिया जा रहा है। बहुत दुखी हूँ सर।